जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कई तरह के भविष्य की योजनाएं घूमती हैं, जैसे अपना घर, अपनी गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन, और जब उम्र बढ़ती है तो बैक ऑफ द माइंड एक योजना और आती है, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट के बाद की योजना। और इस योजना में हम यह सोचते हैं कि कम से कम हम रिटायरमेंट टाइम कुछ इतना कॉर्पस क्रिएट कर लें सो दैट कि जो जीवन स्तर हम अपने एक्टिव सर्विस के दौरान मेंटेन करते हैं, कम से कम वो स्टैंडर्ड जिंदगी का रिटायरमेंट के बाद भी मेंटेन कर सकें। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे, और निश्चित रूप से जब हम रिटायरमेंट के टाइम कोई कॉर्पस क्रिएट करना हो तो हमें हर मंथ कुछ ना कुछ सेव करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल ये होता है कि सेव तो करना है, लेकिन वो सेव कहाँ करना है, किस एवेन्यूज में करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। और इस एवेन्यूज में से एक एवेन्यूज है NPS, नेशनल पेमेंट सिस्टम। ये भारत सरकार द्वारा 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट प्लानिंग के रूप में लॉन्च किया गया था। हालांकि बाद में 2009 में ये सभी टाइप के एम्प्लॉयज़ को, लाइक प्राइवेट सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सभी के लिए ये NPS की स्कीम अवेलेबल करा दी गई थी। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में कि NPS के साथ साथ हम यह देखें कि हम कितने रुपए हर मंथ सेव करें, और NPS के साथ साथ किस एवेन्यूज में सेव करें, जिससे कि जीवन का ये स्तर जो मैं एक्टिव सर्विस में मेंटेन कर रहा हूँ वो रिटायरमेंट के बाद में मैं मेंटेन कर सकूँ। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि एक्टिव सर्विस के दौरान जिस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को हम मेंटेन कर रहे हैं वही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हम मेंटेन करें जब हम रिटायर कर दें, और उसके लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कॉर्पस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और जब कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा तो हमें बहुत सारे एजम्पशंस, बहुत सारे पैरामीटर्स को एज्यूम करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम वो लाइफ मेंटेन करें, अपना कॉर्पस हम क्रिएट करें। तो सबसे पहले जो इसमें पैरामीटर्स हैं वो हैं कि आपका आज का दिन में मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, किस एज में आप इंटर कर रहे हैं, रिटायरमेंट का एज क्या होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल जिंदा रहने की उम्मीद है। और यहाँ हमने माना है कि करंट एक्सपेंसेस जो हैं वो 1 लाख रुपए आज के दिन में हैं, और हमारी उम्र आज के दिन में 25 साल है, और 60 साल की उम्र में हम रिटायर करेंगे। जनाब, ये आपको सुन के अजीब लगता होगा कि रिटायरमेंट की उम्र सुपरन्यूशन का तो 60 ईयर्स ही है, फिर 60 साल बताने का क्या जरूरत है। जनाब, ऐसी बात नहीं है। आज के दिन में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। कोई कहते हैं 50 में करूंगा, 45 में करूंगा, 55 में करूंगा। सो हमने यहाँ एज्यूम किया है कि हम 60 ईयर्स में करेंगे, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हिंदुस्तान के करीब 82-85 साल के आसपास है। तो हमें लगता है कि हमारी भी जिंदगी की लंबाई, जिंदगी की एक्सपेक्टेंसी 85 के आसपास होगी। और चूंकि हम 25 साल के एज में इंटर कर रहे हैं, रिटायर करेंगे 60 साल में, इसका मतलब एक्टिव सर्विस में हमें 35 साल का पीरियड है हमें। और रिटायर करने के बाद चूंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 साल के आसपास है, तो रिटायरमेंट के बाद अगला 25 साल की का और पीरियड हमें बचता है। अब सवाल ये है सबसे पहला कि 1 लाख रुपए आज के दिन में खर्च हो रहे हैं, और यही स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमें 35 साल के बाद कितने रुपए चाहिए, यदि इन्फ्लेशन रेट 5% यदि हो तो। यदि इन्फ्लेशन रेट 5% है तो 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 35 ईयर्स ये हो जाएगी 551,602 रुपये। इसका मतलब 60 साल के बाद जब रिटायर करेंगे तो हमें यदि 551,602 रुपये पर मंथ मिले तो हम वो जीवन का स्तर जो आज मैं बिता रहा हूँ वो मेंटेन कर सकता हूँ। अब इसके लिए देखना ये होगा कि हमें कितने रुपए 25 साल की उम्र से अगले 35 साल तक इन्वेस्ट करें, सो दैट कि कुछ कॉर्पस क्रिएट हो, कितना कॉर्पस नीडेड है ये पता करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जो कॉर्पस नीडेड है ये 11,60,00,000 के आसपास नीडेड है। यदि हम चाहते हैं कि एक्टिव सर्विस में जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होंगे उसमें जो रिटर्न होगा वो 13.9% के आसपास होगा, और 60 साल में जो कॉर्पस क्रिएट होंगे उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टमेंट जिस एवेन्यूज में करेंगे उसका रेट ऑफ रिटर्न 8% के आसपास होगा। अब बताएंगे कि 13.9% ऑड फिगर क्यों लिया, इस बारे में चर्चा आगे करेंगे हम। तो यदि हम इस हिसाब से हम देखते हैं कि यदि 10,744 रुपये हर मंथ हम इन्वेस्ट करते हैं वैसे एवेन्यूज में जिसका रिटर्न CAGR 13.9% है फॉर 35 ईयर्स, इट इज ओनली बिकॉज कि हमारी आज की उम्र 25 साल है और रिटायर करेंगे 60 साल में, तो हमें 35 साल के बाद हमें कॉर्पस चाहिए 11,00,000, 11 करोड़
60 लाख के आसपास। रिटायरमेंट के बाद चूंकि हमारे रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है और कॉर्पोरेट बॉन्ड का पिछले करीब 20-25 साल का जो रिटर्न है वो 8% के आसपास है, जो काफी सेफ है, हमने कहा कि जो भी कॉर्पस क्रिएट होंगे उसको हम डेट बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, जहां का रिटर्न 8% के आसपास आज के दिन में पिछले 10-15 सालों का है। इसलिए हमने ये दोनों फिगर को एज्यूम किया हुआ। अब आपको लगता होगा 3.9% रिटर्न काफी अधिक है, तो हमने माना कि एनपीएस, जिसकी बात मैं चर्चा में पहले किया हुआ था, एनपीएस का पिछले करीब 18-19 साल के आसपास में करीब 10% के आसपास का रिटर्न, हमने माना कि अब उस एवेन्यूज में एक्टिव सर्विस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां 13.9% है, बल्कि एनपीएस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, या तो एनपीएस में या इस तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट जहां और सेफ हो उसमें इन्वेस्ट करें, और यदि उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 30,561 रुपये पर मंथ आपको जमा करेंगे फॉर 35 ईयर्स, तब आपका 11,60,00,000 के आसपास का कॉर्पोरेट क्रिएट होगा, प्रोवाइडेड कि अगेन कि रिटायरमेंट के टाइम जो कॉर्पस क्रिएट होगा उसको आप 8% के कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब हो सकता है कुछ ऐसे इन्वेस्टर भी हों जो ये सोचते हों कि 10% काफी कम हो गया यार, तो हमने एक बीच का पीरियड लिया, हमने लिया 12% के आसपास। इसका मतलब यदि 12% केस में, इसका मतलब यदि 18,042 रुपये आप 35 सालों के लिए वैसे इंस्ट्रूमेंट में या वैसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें जहां की 12% का रेट हो, और उसके बाद जो कॉर्पस क्रिएट हो उसको यदि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड जहां की 8% का रेट ऑफ रिटर्न है पिछले 10-15 सालों का उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो हम वो लाइफ जी पाएंगे जो आज के दिन में हम जो स्टैंडर्ड्स जो जिस स्तर में आज के दिन में है, रिटायरमेंट के बाद भी टिल द डेथ, टिल द लास्ट ब्रीथ जो है वहां तक हम जी पाएंगे। अब जनाब इन तीनों ही कंडीशंस में देखा आपने कि हमने ये माना है कि 25 साल की उम्र में हमने ये प्लान स्टार्ट किया और सेविंग हमारे पास उस टाइम कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपने 22 साल की उम्र में नौकरी शुरू की हो, अब 25 साल उम्र आपकी हो गई है और 3 साल में हो सकता है कि आपने कुछ सेविंग में किया हो, और हमने माना कि वो सेविंग जो है आपने 1,00,000 रुपये किया हुआ है। यदि आपने सेविंग 1,00,000 रुपये किया हुआ है और फिर उस इंस्ट्रूमेंट में जहां की रेट ऑफ रिटर्न 13.9% है, 35 साल के लिए आपने 9,863 रुपए पर मंथ जमा करेंगे, तो आपको वो लाइफ लीड कर पाएंगे जो कि आज के दिन में आप जब एक्टिव सर्विस में लाइफ लीड कर सकते हैं। इसके लिए जो कैलकुलेट किया है हमने, ये किया है कॉर्पस नीडेड तो 11,60,00,000 तो होंगे सब केस में चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ 1,00,000 रुपये सेविंग भी है तो अगले 35 साल में 1,00,000 की जो सेविंग है ये 13.9% के हिसाब से ये 0.95 करोड़ मतलब 95,00,000 के आसपास इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए 11,60,00,000 में से 95,00,000 माइनस कर दिया तो इट कम्स टू 10,65,000, और इसके लिए आप 10,65,000 पाने के लिए आपको 9,863 रुपये आपको वैसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जहां के 13.9% का रिटर्न आपको मिलेगा 35 वर्षों के लिए। इसके बाद यदि फिर देखा हमने एनपीएस टाइप में किया, हमने इस केस में भी 1,00,000 रुपये की सेविंग है, 1,00,000 तो यही चूंकि ये 10% का रिटर्न है हमको, तो 1,00,000 जो होगा 35 सालों में ये 28,00,000 के आसपास हो जाएगा, और 11,60,00,000 में से 28,00,000 माइनस करके 11,32,00,000 रुपये चाहिए मुझे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और उसके लिए आपको 29,831 रुपये हर महीने आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे वैसे एवेन्यूज में जहां की या तो एनपीएस टाइप का हो या वैसे इंस्ट्रूमेंट में जहां का रिटर्न 10% के आसपास का हो। लेकिन यदि यही हम 12% वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें तो हमें 17,221 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज कि 1,00,000 की वैल्यू जो है 35 वर्षों के बाद ये 53,00,000 हो जाएगी, और जो हमें कॉर्पस बिल्ड करना पड़ेगा वो 11,60,00,000 के आसपास करनी पड़ेगी, और ये पाने के लिए हमें 17,221 रुपये आप हमें हर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे फॉर 35 ईयर्स वैसे इंस्ट्रूमेंट में जहां के रिटर्न हमें 12% के आसपास हो। अब सवाल ये होता है, आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर आपने 1,00,000 रुपये पर मंथ का एक्सपेंसेस आज के दिन में बताया, मैं उतना, हमारी इनकम उतनी नहीं है, तो उसके लिए जनाब यदि आपके 50,00,000 एक्सपेंसेस है तो इन सबको आधा कर दें, 25,000 पर मंथ का है तो इसको 1/4 कर दें। अब देखें यदि आपका आज के दिन में 50,000 पर मंथली एक्सपेंसेस घर के हैं
और आप चाहते हैं कि ये लाइफ हम लीड करें, तो जो सबसे कंजर्वेटिव व्यू है कि 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आज के दिन सेविंग है, तो आपको इसका आधा करीब 15,000 पर मंथ के हिसाब से यदि 35 साल तक इन्वेस्ट करेंगे एनपीएस में भी या एनपीएस टाइप इंस्ट्रूमेंट में, तो आप वो लाइफ जो आज लीड कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी टिल डेथ आप मेंटेन कर सकते हैं। और यदि थोड़ा सा जब आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं और आपने कोई वैसे एवेन्यू वैसे लार्ज कैप ढूंढ लिए जहां की 13-14% के आसपास आपका रिटर्न है, तो वहां जनाब आपको 5,000 रुपये के आसपास पर मंथ इन्वेस्ट करके वो लाइफ लीड कर सकते हैं एट द एज ऑफ 30 और टिल 85 एज, जो लाइफ की आज आप लीड कर रहे हैं। थैंक यू।